Assalamualaikum, welcome back to Maham Vlogs. Maham ke YouTube channel pe. I mean, it's been a long time, you know. Kitne arse baad, I don't know how long it has been ke main yahan pe baith ke video bana rahi hu. Aur I think last video jo maine aise baith ke banayi thi wo Shein ka vlog tha, but again usme I was not doing makeup. Makeup video nahi thi kyunki maine इस YouTube चैनल का आगाज ही मेकअप वीडियो से किया था, बट आई वॉज नॉट डूइंग मेकअप एट ऑल फॉर आई थिंक मोर देन वन ईयर. बिकॉज मैं लास्ट टाइम, मुझे याद है, मैं देख रही थी अपने अपलोड्स में जाके, तो लास्ट टाइम जो मैंने मेकअप वीडियो अपलोड की थी, इट वॉज लाइक लास्ट ईयर, ये वाली ईद नहीं, लास्ट ईयर ईद, जब मैं ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल भी नहीं किया था फ्रॉम पाकिस्तान. आई थिंक मैंने ईद मेकअप ट्यूटोरियल किया था, या वो लास्ट मेरी मेकअप वीडियो थी. उसके बाद से मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई, ऑफ कोर्स फिर ऑस्ट्रेलिया के वीलॉग्स डालने लगी, फिर कुछ अर्से बाद वो भी कम हो गए जब मेरी जॉब हो गई और मैं और चीज़ों में बिजी हो गई. सो इट्स लाइक अब मेरी लास्ट वीडियो जो कि आई थिंक मैंने शेयर की थी आपसे, गाड़ी की वीडियो थी इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उसको भी आई थिंक कितने महीने हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी मैंने लास्ट ईयर के दिसंबर में ली थी. व्हेन वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे, बिकॉज नो वी आर नॉट ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू, आई मीन आधे से ज़्यादा साल गुजर गया. इट्स हाफ जुलाई, आई थिंक इट्स, व्हाट इज द डेट रे, ओह माय गॉड, हाफ पास दिस ईयर इज गोइंग, 2023 इज लाइक गोइंग डिंग डिंग डंग. आई मीन ओह माय गॉड, पता भी नहीं चला यार, मुझे ऐसा लगता है अभी तो मैंने गाड़ी ली थी, अभी तो मैं यहाँ आई थी, और मतलब मुझे अपनी जॉब पे भी ऐसा लगता है एवरीथिंग, लाइक इस एक साल के अरसे में कितना कुछ बदल गया ना, मतलब मैं यहाँ आ गई ऑस्ट्रेलिया, जॉब हो गई अलहमदिल्ला, जो गोल्स थे वो हो गए, कितनी चीज़ें, कितनी चीज़ें बदली, कितने चेंज आए, कितनी गेंस हुए, कुछ लॉस हुए. आई मीन लाइक इट्स लाइक अ नाइट मेयर फॉर मी. मैं अपना पूरा साल, पुराना वाला साल रिवाइज करती हूँ ना, अब पूरा वाला साल इन द सेंस कि 2022 का ही भी, क्योंकि मैं 2022 में आई थिंक मई में आई थी, अब ओ यार 19 मई को मैं आई थी, और अब 19 मई का 2023 भी गुजर चुका है, और अब आई मीन वी आर ऑन इन जुलाई ऑफ 2023, सो इट्स लाइक मोर देन वन ईयर. एंड कितनी चीज़ें बदल गई हैं लाइफ में, कितनी चीज़ें, कितने नई एडवेंचर हुए, कितनी चीज़ें मैंने मैंने कभी सोची भी नहीं थी मैंने वो की लाइफ में. खैर बात ये हो रही थी कि लास्ट मैंने वीडियो जो है वो अपनी गाड़ी की डाली थी. मेकअप वीडियो तो एक साल से ज़्यादा हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर की ईद में, तो लास्ट ईयर की ईद हुई थी आई थिंक मई के शुरू में या मई के बीच में, नहीं या मई के शुरू में शायद लास्ट ईयर की ईद थी ना, या राइट, तो सेकेंड मई को समथिंग लाइक दैट, तो मैंने तब डाली थी मेकअप वीडियो. और उसके बाद में आज एक डेढ़ साल बाद आपके सामने मेकअप वीडियो लेके आई, क्योंकि आप लोगों ने बहुत फरमाइश की थी इंस्टाग्राम पे मुझसे कि आप हमारे, आपकी स्किन बहुत अच्छी लगती है, आप जो मेकअप रेगुलर बेसिस पे करती हैं वो आप क्यों नहीं बताती हैं, कौन सा फाउंडेशन लगाती हैं आप रेगुलर बेसिस पे, प्लीज़ वो बताया करें. मैंने इंस्टाग्राम पे भी चीज़ें शेयर करना भी छोड़ दी कि मैं क्या रोज़ाना के बेसिस पे लगा रही होती हूँ. सो आई थिंक दैट्स व्हाई यू गाइज आर फीलिंग लाइक दैट. बट आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गई हूँ जिसमें मैं अपना नेचुरल मेकअप लुक, माई वर्क मेकअप लुक आपसे शेयर करने वाली हूँ, कि जो मैं ऑफिस जाते हुए, जो मैं नॉर्मल अगर बाहर आउटिंग पर जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, डिनर पे नहीं, लंच पे, या फिर एक नॉर्मल कोई चीज़ है जो मुझे काम निपटाना है, तो उसके लिए इफ़ आई एम गोइंग आउट, सो देन आई यूज टू वेयर दिस मेकअप ऑन अ रेगुलर बेसिस. दिस इज़ माई गो टू नो मेकअप नेचुरल लुक मेकअप है, और आई लव इट, पर्सनली आई लव इट. और मतलब ये मेकअप लुक मेरा इतना फेवरेट हो गया, और मेरी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि अब मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस भी, इवन इफ आई एम गोइंग आउट ऑन डिनर फॉर डिनर्स, और कोई स्पेशल ओकेजन पे हम लोग आउटिंग कर रहे हैं, तब भी मैं जो हूँ वो इतना ही मेकअप वेयर करती हूँ. आई मेकअप वगैरह मैंने बहुत ही कम कर दिया, तभी आप लोग देख रहे होंगे कि आई एम नॉट क्रिएटिव इनफ नाउ, और बहुत ही चीज़ें जो है ना वो कम हो चुकी हैं अब लाइफ में, क्योंकि लाइफ क्योंकि बहुत सी चीज़ें यार, मतलब द लाइफ हैज़ बिकम बिजी एज हेल्प फॉर मी, मतलब इसलिए मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फोकस नहीं करती हूँ. मतलब यूट्यूब इंस्टाग्राम पे तो फिर भी स्टोरीज लगाना बहुत आसान है, डे टू डे बेसिस पे ना आप लगा देते हो पिक्चर्स भी, अगर आपने कोई इवेंट पे गए हो आप तो पिक्चर लगा देते हो, वीडियो बना लेते हो थोड़ी बहुत, इतना मैं कोई अब ट्रांजेक्शन नहीं करती, बट थोड़ा बहुत जो है ना वो आई ट्राई टू मेक इट. बट यूट्यूब तो मतलब मैं बता रही हूँ आपको, एक अरसा ही हो गया कि मैंने सही से किया है. बट विद डैट बीन सैड, अभी हम एक ट्रिप हमने किया टूवर्ड्स मैरिसविले, और हमने वहाँ लेक माउंटेन पे गए, स्नो देखी हमने, क्योंकि देयर इज विंटर गोइंग ऑन हियर इन ऑस्ट्रेलिया, तो उसका वीलॉग मैंने समहाउ बनाने की कोशिश तो की है, बट मुझे नहीं लगता कि वो इतना अच्छा बना है, बट आई विल ट्राई टू मिक्स एंड मैच सम थिंग्स लाइक दैट, और मैं
कुछ तो थोड़ा बहुत तो शेयर कर ही दूँ आपके साथ ना, मतलब रॉ सा होगा बट उसको चला लीजिएगा, देख लीजिएगा इफ़ यू वॉन्टेड टू सी दैट यू नो, तो काम चला लीजिएगा। बट ये कि इतना अच्छा नहीं है, बट आई ट्राई टू डू इट। मतलब आज मुझे लिटरली मैं जब अभी तो अपने मेकअप कर लिया मैंने, बट जब मैं करने बैठी थी आई वॉज रियली नर्वस, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो कैसे बनाऊँ, मेकअप वीडियोस बनाना ही भूल गई ऑनेस्ट, क्योंकि इतने टाइम बाद में कर रही हूँ। बट यू नो मुझे पता है आप लोगों का, जो लोग मुझे हमेशा से देखते हैं वो पसंद करेंगे, और वो कुछ लोग कहते भी हैं मुझे मतलब इंस्टाग्राम पे ना कि आप लोग आप क्यों नहीं बना रही आपने व्लॉग्स की कम कर दी, बट यार जिंदगी बिजी हो गई है। बट आज टाइम था मेरे पास तो मैंने कहा आज अपने पुराने चाहने वालों से मिला जाए यूट्यूब के जरिए। आई डोंट नो ये मैं एडिट कब करने वाली हूँ, बट बना तो लिया एटलीस्ट। मैं जिंदगी में क्या चल रहा है, तो जिंदगी में यार अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा, सब कुछ वैसा ही है जो आपने लास्ट देखी थी। लास्ट अचीवमेंट वॉज माई कार अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, उसके अलावा मैं माशाल्लाह से ड्राइविंग करती हूँ अच्छे से, जिंदगी बहुत आसान हुई गाड़ी के बाद। और बाकी बस अब एक दो और गोल्स हैं, ये आधा साल तो ऐसे ही गुजर गया, इसमें तो कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ ऐसे गोल्स भी नहीं थे क्योंकि टू बी रियली ऑनेस्ट। बट अब कुछ चीज़ें हैं जो आई एम प्लानिंग टू डू, जो जितना आधा साल रह गया उसमें आई हैव सम यू नो गोल्स एंड चीज़ें हैं जो मैंने सोच रखी हैं कि वो हो जाए अल्लाह अल्लाह करे, तो मेरी बहुत कोशिश है, उस हवाले से मैंने कोशिश भी शुरू कर दी है। बट यू नो आई डोंट नो व्हाट आर यू नो गॉड प्लान, बट आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट, मतलब मेरी कोशिश शुरू हो चुकी है, तो जब इंशाल्लाह वो चीज़ें हो जाएंगी तो आई विल बी शेयरिंग इट विद यू गाइस। बट राइट नाउ आप लोग मेरे लिए बस दुआ करेंगे वो चीज़ें हो जाएँ, फिर मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँ। लेकिन ज़्यादा प्लान्स नहीं है अल्तफ़ भाई शेयर कि आई वॉन्टेड टू, लास्ट ईयर वॉज रियली टायरिंग, तो मैंने सोचा था कि यार ये वाला साल जो है ना वो थोड़ा सा मैं अपने मेंटल पीस के लिए, क्योंकि जिन जिन चीज़ों से आई हैव गॉन थ्रू, तो उसके लिए ज़रूरी था कि ये वाला साल जो है ना वो थोड़ा मेरे अपने लिए यू नो अच्छा हो, पीसफुल हो, कि मुझे अब ऐसा लगे कि उफ चीज़ें बेहतर हो गई हैं, लाइफ सेट हो गई है यू नो अल्हम्दुलिल्लाह, और यू नो देर इज़ समथिंग यू नो एक ठहराव सा आ गया है, एक अच्छे मायनों में एक ठहराव सा आ गया है ज़िंदगी में। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, सो दैट्स वाई आई रियली वॉन्टेड कि इस साल को मैं थोड़ा सा जो है ना वो टेक इट स्लो लेके चलूँगी। बट कुछ चीज़ें हैं, वो आधा साल तो गुजर गया, बट अब कुछ चीज़ें हैं जो मुझे करनी है इस बाकी जो आधा साल रह गया उसमें, तो आई एम रियली होपफुल कि वो हो जाए। और आप लोगों की से वही बात, दुआओं की दरख्वास्त है कि आप लोग करते रहिए। और अब चलिए मेकअप वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत बकवास हो गई है ना, पर हो सकता है आप लोगों ने इतने दिनों बाद मुझे देखा है तो यू वुड बी यू नो लविंग माई बकवास। सो लेकिन बट अब मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो, कहाँ से स्टार्ट करें। पर चलिए सबसे पहले ना हम आई थिंक नॉर्मल डेली मेकअप रूटीन है तो उसमें हम सबसे पहले आपको स्किन में मेरा आई जस्ट डोंट नो हाउ टू डू इट एनीवे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 स्टार्ट। हाँ जी, तो सबसे पहले आई थिंक मैं आपको स्किन केयर बता दूँ, क्योंकि अलॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि यू नो आपकी स्किन स्मूथ लग रही होती है, यार तो रियली ऑनेस्ट फिल्टर होता है थोड़ा बहुत तो, और दूसरी बात ये, लेकिन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माय स्किन लाइक अभी देर इज़ नथिंग ऑन माय फेस राइट नाउ, ठीक है, तो डार्क सर्कल के अलावा यू कैन सी देर इज़ ये अभी थोड़ा सा पिंपल हुआ हुआ है, अदरवाइज द स्किन इज़ लुकिंग क्वाइट नाइस। और ये लिटरली ये हाल है आजकल स्किन का, जब से आई एम इन ऑस्ट्रेलिया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आई डोंट नो व्हाई मेलबर्न वेदर इज सूटिंग मी और व्हाट, बट स्किन इज लिटरली ये अभी मतलब मुझे लग रहा है पूरे एक साल बाद ये एक पिंपल मेरा यहाँ आया, वरना अदरवाइज आई वाज नॉट इवन गोइंग आई वाज नॉट इवन यू नो हैविंग पिंपल्स इवन ऑन माय दोज डेज एज वेल, यू नो ब्रेकआउट मुझे हो ही नहीं रहा था, सो विच वॉज ग्रेट आई थिंक। बट स्किन केयर की बात कर लेते हैं, स्किन केयर मेरा आजकल बहुत मिनिमम, बहुत ही मिनिमम हुआ हुआ था स्किन केयर में। आई जस्ट यूज़ माई फ्रेश का फेस वॉश एंड देन आई यूज़ माई मॉइस्चराइजर, सिरावे का मॉइस्चराइजर है डेली मॉइस्चराइजर, एंड देन आई जस्ट यू नो बहुत दिनों से तो मैं और कोई स्किन केयर रूटीन कर भी नहीं रही थी, बट आजकल आई हैव स्टार्टेड इनकॉर्पोरेटेड दिस रेटिनॉल सीरम फ्रॉम न्यूट्रीजीना। आई डोंट नो दिस ब्रांड इज यू नो गुड or not for this product is good or brand is good for the retinol oils or not, but you know अभी सबसे पहले मैंने इसी से स्टार्ट किया बिकॉज न्यूट्रीजीना के प्रोडक्ट्स हमेशा मुझे स्किन को सूट कर रहे होते हैं और कभी मुझे इस तरह का नहीं होता, और ये उस दिन मुझे नज़र आया तो मैंने बस ऐसे ही उठा लिया कि यार रेटिनॉल लेना तो था, बट आई हैवन डन एनी रिसर्च ऑन इट, सो आई वोंट से कि ये अच्छा है या कितना अच्छा है, क्योंकि रेटिनॉल इस्तेमाल करने के लिए यू मस्ट बी यू नो
हैविंग सम नॉलेज और आपको पता हो कि आप जब स्टार्ट करें, बट दिस इज़ वेरी माइल्ड, ये मुझे पता है, ये मैंने पढ़ भी लिया था कि दिस इज़ फॉर डेली यूज, मॉर्निंग एंड इवनिंग में आपको 4 to 5 ड्रॉप्स यूज करने हैं। सो फार दिस लुक्स गुड, बट यू नो ट्रेटिनॉल का पर्पज ये है कि आपको रिंकल्स आपके रिपेयर करे और एंटी एजिंग से आपको रोके, सॉरी एजिंग से आपको रोके, एंटी एजिंग के यू नो तरह काम करे। सो आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू वर्क लाइक दैट और नॉट, और इज इट लेजिटली good product or not as far as retinols are concerned, but this is I am using these days. Kuch bhi aisa masla nahi ho raha, din aur raat mein use karti hu, and so far it's looking nice. Or make sure to use the sunscreen in the daytime when you are using retinols or any you know serums like that jo ki aapke उसको ट्रीटमेंट के तौर पे आपको काम करते हैं। और वैसे भी सनस्क्रीन तो वैसे भी डेफिनेटली यूज़ करनी चाहिए। जब से आई थिंक मैंने कंटिन्यूसली सनस्क्रीन यूज़ करना भी शुरू किया ना, तब से आई थिंक आई एम हैविंग अ लेस ब्रेकआउट एज वेल, यू नो। सो ये और जो मेरा फेस बिल्कुल ही स्मूथ और अच्छा हो रहा है, तो वो आई थिंक इसका भी राज है कि आई एम यूजिंग गुड सनस्क्रीन दीज इज यू नो ऑन अ डेली बेसिस। कुछ और लगाऊँ ना लगाऊँ सनस्क्रीन जरूर लगाती हूँ, इवन व्हेन आई एम होम एट एज वेल। आपको बताते चलो, फाउंडेशन मैंने अरसा हो गया आई एम नॉट यूजिंग फाउंडेशन एट ऑल, मतलब एक साल या एक डेढ़ साल हो गया है, एक साल हो गया है ऑलमोस्ट कि मैंने फाउंडेशन यूज़ करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। इवन ऑन द यू नो हाई कवरेज डेज इज वेल, लाइक यू नो नाइट टाइम पार्टी टाइम मैं नहीं यूज़ करी, बिकॉज माई स्किन वॉज यू नो डूइंग गुड अलॉट अलहमदिल्ला माशाला, बस जिंक्स ना हो जाएगी अदरवाइज यू नो इट्स गोइंग गुड। बट द थिंग इज़ इसी वजह से आई एम नॉट यूजिंग यू नो फाउंडेशन ऑन होल ऑफ माई फेस, क्योंकि मुझे लगता था वो काफ़ी हैवी लुक दे रहा था। तो जब स्किन अच्छी होती है तो यू डोंट रियली नीड अ लॉट ऑफ मेकअप, राइट? बट ऑब्वियसली डार्क सर्कल्स के लिए, क्योंकि डार्क आईज सर्कल्स हैं यू नो लिट डार्क है, तो उसके लिए और सब कुछ जगहों पर यू नो टू हाइड ब्लेमिशेस जो थोड़े बहुत निशान हो जाते हैं, और इस एरिया पे नोज एरिया पे यू डोंट नीड कंसीलर एज वेल, राइट? तो उसको कवरेज ओके, तो उसको वो करने के लिए, ओवरकम करने के लिए आई यू नो यूज कंसीलर्स। तो मैं फाउंडेशन तो मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन मैं कंसीलर ज़रूर 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 यूज़ करती हूँ। विदाउट कंसीलर आई डोंट थिंक कि मेरा मेकअप या मेरा कुछ भी यू नो, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अगर ग्लासेस लगाती हूँ मैं बगैर कंसीलर के भी बाहर जाती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई यू नो कि मैं बगैर कंसीलर के तो कभी बाहर नहीं निकलती। सो कंसीलर इज लाइक दीज टू आर माई फेवरेट वन, दीज आर ऑन ऑब्वियसली ऑन एक्सपेंसिव साइड, लाइक दिस इज फ्रॉम टार्ट द मोस्ट यू नो लव्ड कंसीलर ऑन द इंटरनेट एंड आई थिंक ऑन द एंटायर प्लेनेट, एवरीबडी लव्ड इट। आई थिंक नोबडी, किसी को भी आज तक मैंने ये कहते हुए नहीं सुना कि दिस कंसीलर इज नॉट गुड फॉर देम और एनीवन, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। बट इसके साथ साथ ही उस कुछ अर्से बाद वी हैव दिस टू फेस का बॉन्ड दिस वे कंसीलर, ये आया था एंड इसकी भी सब ने यही तारीफ की थी कि इट्स वेरी 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 मच सिमिलर टू द टार्ट, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस इज मच मोर मॉइस्चराइजिंग। सो इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन देन यू मस्ट गो फॉर दिस वन। अच्छा, दीज डेज आजकल मेलबर्न में और ऑस्ट्रेलिया में विंटर्स चल रही हैं, तो उसके लिए आई थिंक और ये मैंने अभी अभी टार्ट की, तो आई डोंट नो हाउ मच बॉटल आई हैव गॉन थ्रू, मतलब कितनी सारे मैंने ये कंसीलर यूज़ कर लिए हैं, 3-4-5 बॉटल जब से आई हैव स्टार्ट यूजिंग इट। आई नेवर नेवर एवर ट्राई लव्ड एनी अदर कंसीलर अदर देन दैट, दिस इज बेस्ट वन आई मस्ट से। ये तो मेरा है ही बेस्ट, ये तो ज़रूर होगा, इसके बगैर तो शायद मेरा मेकअप बॉक्स कंप्लीट ही नहीं हो सकता। बट जस्ट रिसेंटली लाइक फ्यू मंथ्स बैक आई हैव स्टार्ट यूजिंग दिस, क्योंकि इसकी भी मैंने बहुत तारीफ सुनी थी जस्ट लाइक दिस वन। बट या इसके लिए ये सुना था कि दिस इज स्लाइटली यू नो मॉइस्चराइजिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई साइड पर हो जाता है। इफ़ यू हैव ड्राई स्किन देन यू विल फील लाइक ये थोड़ा सा ड्राइंग है, बट दिस वन इज मॉइस्चराइज। सो इफ़ यू हैव अ यू नो ड्राई स्किन देन यू शुड गो फॉर इट, बट अगर आपकी जो है वो ऑयली स्किन है तो मैं आपको टार्ट रिकमेंड करूँगी, ऑब्वियसली टेप शेप, और ये तो हर किसी को ही अच्छा लगता है। इवन ऑन यू नो ड्राई स्किन इज वेल यू कैन ईजिली मैनेज दिस वन विद द सेटिंग स्प्रे, दिस इज़ द बेस्ट वन। बट ये दोनों ही इक्वली ब्यूटिफुल और इक्वली यू नो गिव्स यू अ फुल कवरेज, और क्रीज भी नहीं करते हैं, लेस क्रीजिंग होते हैं, और दे आर सो 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 गुड। तो टार्ट में आई एम इन द शेड 29N लाइट 29 न्यूट्रल N, दैट मीन्स लाइट मीडियम, और इसमें आई एम लाइट बेज, टू फेस में आई एम लाइट बेज, दिस इज लाइट बेज। ड्यूरिंग नाइट टाइम्स और यू नो स्पेशल ओकेजन है, कोई पार्टी है, कोई गैदरिंग है, तो देन आई यू नो
typically use the combination of both, but normally on a day-to-day basis I'm using these because of the season, because aajkal winter season chal raha hai, so my skin is a little drying these days, so ye moisturizing hai, so this, you know, looks even better than that. But I think this on summer days, you know, this one is the best one. और कभी कभी दोनों का मिक्सचर भी चल रहा होता है. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस वन. और मैं मिरर लाना भूल गई यार, ये मैं कह रही हूँ ना, मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया तो मैं भूल ही गई हूँ कि वीडियो बनती कैसे. मैं मिरर लेके आती हूँ. लुक्स लाइक दिस. दिस इज रियली क्लोज टू माई स्किन टोन, तो काफ़ी अच्छा रहता है. मतलब इसीलिए फाउंडेशन ना भी लगाओ, प्लीज़ ट्राई टू, यू नो, हैव द एग्जैक्ट. अगर आप नहीं फाउंडेशन के बगैर सर्वाइव करना चाहते हैं तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपका कंसीलर का शेड आपकी स्किन, नॉर्मल जो स्किन है, नॉट द आई एरिया, ऑब्वियसली आई एरिया तो है ही डार्क, तो उसको कंसील करने के लिए यू नीड अ कंसीलर, बट जो नॉर्मल आपकी स्किन टोन है उससे मिलता जुलता आपका कंसीलर हो, तभी यू डोंट नीड, यू नो वॉट यू डोंट नीड, यू डोंट नीड फाउंडेशन फॉर योर कवरेज. अदरवाइज यू नो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ, अगर आपने इसको मिसमैच कर दिया तो फिर आपको फाउंडेशन पूरी लगानी ही पड़ेगी बीच में. बस इतना कंसीलर मैं यूज़ करती हूँ ऑन अ डे टू डे बेसिस फॉर माई फेस, और इसके अलावा मैं कोई फाउंडेशन नहीं यूज़ करती, ठीक है ना. अब इसी को मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर लूँगी इन अ वे कि ऑब्वियसली ये ना पता चले कि आई एम, और कभी कभी अगर कोई निशान नज़र आए या कुछ इस तरह का तो यू नो यू शुड यूज़ दिस ऑन दैट थिंग एज वेल. अदरवाइज आपको इसको इस तरीके से ब्लेंड करना है कि अब आप देख सकते हैं कि इट्स यू नो ब्लेंडिंग, अभी तो सही तरीके से ब्लेंड नहीं हुआ है, लेकिन इट्स रियली मच सिमिलर टू माई स्किन टोन, तो इस वजह से आई वुड नॉट रिक्वायर, यू नो, फाउंडेशन. एज यू कैन सी, मैंने अपना जो है वो कंसीलर ब्लेंड कर लिया है अच्छे से, और आप ये भी देख सकते हैं कि लाइक आई सेड के मैं नहीं यूज़ करती हूँ आजकल फाउंडेशन, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है सच. स्किन बैलेंस हो चुकी है कंसीलर की वजह से, जो है वो डार्क सर्कल्स और ब्लेमिश हाइड हो चुके हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वहाँ मैंने अप्लाई कर लिया है. तो मैं सोच रही थी कि मैं ये वीडियो तब बनाऊँ जब मैं, बिकॉज आई रियली रियली नीड न्यू प्रेस पाउडर्स एंड फेस पाउडर्स, बिकॉज ये दोनों ही मैंने बेतहाशा बुरी तरीके से यूज़ किए. दिस इज़ इन L'Oreal का इनफेलेबल 24 आवर फ्रेश वेयर फाउंडेशन. आपको पता है इसका लिक्विड फाउंडेशन मैं यूज़ करती हूँ, तो उसी का ये पाउडर वर्जन भी आ गया है, एंड काफ़ी अर्सा हो गया ऑब्वियसली इसको भी, बट दिस इज़ ऑल्सो रियली गुड जस्ट लाइक द लिक्विड वन. बट इसको मैं अपने कंसीलर सेट करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब मुझे हाई कवरेज पे जाना होता है, लाइक ड्यूरिंग नाइट टाइम्स और थिंग्स लाइक दैट, तो फिर आई वुड यू नो डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. और टचअप्स के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, बिकॉज दिस इज़ फाउंडेशन, दिस इज़ नॉट यू नो सेटिंग पाउडर समथिंग, दिस इज़ एक्चुअल प्रेस सॉरी पाउडर फाउंडेशन, और इट्स वेरी गुड. और इसका शेड जो मैं यूज़ करती हूँ, आई थिंक ट्रू बेस यूज़ करती हूँ. और नॉर्मली सेटिंग जब मैं अपने पाउडर वो फेस की कर रही होती हूँ, तो ये रिमिल का है ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट 00, इसका शेड ट्रांसपेरेंट है, दिस इट डजेंट हैव एनी शेड. और ये बहुत अच्छा, ये भी मतलब मैंने इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि ऑब्वियसली मतलब मैंने आई डोंट नो कितने ज़्यादा मैंने ये दोनों प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए हैं, कितने ख़त्म हुए हैं और कितने मैंने रीपर्चेज किए हैं, बट दे बोथ आर वेरी नाइस. हाई एंड में कोई मुझे इतना अच्छा आज तक प्रोडक्ट पाउडर नहीं मिला टू सेट द कंसीलर एंड यू नो माय मेकअप, तो मैं इन्हीं दोनों ऑप्शंस पे जो है वो स्टिक रहती हूँ. एंड आई थिंक दे बोथ डू द यू नो वेरी गुड जॉब. मतलब दोनों ही मेरे बहुत मोस्ट फेवरेट. ये तो बहुत ही चीप है, आई थिंक इट्स जस्ट $6 or $8 का होता है, if I'm not mistaken. बहुत ही चीप होता है ये तो रिमिल का, और ये जो है ये थोड़ा सा आई थिंक एक्सपेंसिव है इस रिमिल से, बट दे बोथ आर एक्सट्रीमली अफोर्डेबल बिकॉज दे आर एक ड्रग स्टोर एंड दे आर रियली गुड. मतलब इनकी क्वालिटी वाइज और सब चीज़ें दे आर एक्सट्रीमली नाइस. सो ऑफिस जा रही होती हूँ तो कंसीलर के बाद आई ट्राई टू सेट माई कंसीलर विद दिस रिमिल का पाउडर. और मतलब और फिर जब दिन के वक्त यानी लंच टाइम तक मुझे थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती है कि यू नो आई वुड गो फॉर सम टच अप, तो फिर मैं ये अपने बैग में रखती हूँ इनफेलेबल का फ्रेश वेयर 24 आवर फाउंडेशन पाउडर फाउंडेशन. तो इससे जो है मैं नॉर्मली अपने फेस को सेट कर रही होती हूँ थ्रू आउट द डे. इससे बहुत अच्छा फ्लॉलेस यू नो आपका मेकअप सेट हो जाता है, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. जो है कॉन्टोर में मैंने यहाँ पे आके कोई भी नया कॉन्टोर अभी तक नहीं परचेज किया, क्योंकि जो लशियस कॉस्मेटिक्स का था ये अभी तक मुझे मेरे पास चल रहा है और अभी तक दिस इज डूइंग. थोड़ा सा मेरा फेस जो है ना
लिटिल बिट, जस्ट अ लिटिल बिट जो है ना वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो चुका है, तो इतना ज़्यादा डे टाइम पे स्पेशली, अभी ज़ाहिर कैमरे में तो थोड़ा बड़ा आ ही रहा होगा, लेकिन नॉर्मली जो है ना इतना ज़्यादा मेरा बड़ा फेस नहीं रहा है यहाँ पे, मेहनत मजदूरी कर करके, यू नो विच इज़ गुड। तो कंटूरिंग की इतनी ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये वाला कॉन्टूर पैलेट अब तक मेरे पास चल रहा है जो मैंने पाकिस्तान से लिया था। तो इसका ये वाला शेड आप देख सकते हैं, ये लाइट शेड है, ये मेरे स्किन टोन से बहुत अच्छा मैच होता है, तो ये डेली डे टू डे बेसिस पे मैं ये इस्तेमाल कर रही होती हूँ। और नाइट टाइम में जब यू नो इफ़ यू नो आई एम गोइंग आउट फॉर सम पार्टी, यू नो सब कोई गेट टुगेदर है, कोई पार्टी है या कोई इवेंट है, तो उसमें फिर मैं ये डार्क कलर इस्तेमाल कर लेती हूँ कॉन्टोर के लिए, बट यू नो ऑन अ रेगुलर बेसिस नो मेकअप लुक और जो नेचुरल मेकअप लुक है उसके लिए मैं यही शेड इस्तेमाल कर रही होती हूँ। और ये इसका हाइलाइटर भी आप देख सकते हैं, ये दोनों चीज़ें मेरी बहुत फेवरेट हैं, ख़त्म होने वाली हैं। यहाँ मैंने देख लिया कैट वॉन डी का ऐसे मिलता जुलता पैलेट आता है, आई थिंक वो इसी तरह का कॉन्टोर और हाईलाइट का है, और उसका शेड इस शेड से काफ़ी फेमिलियर था, तो आई थिंक आई वुड गो आई वुड परचेज दैट जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। का ना आजकल बहुत आप लोगों ने देखा होगा, ये शीन का जो है वो शी ग्लैम कॉस्मेटिक्स, शीन ने जो है अपना शी ग्लैम जो है वो मेकअप कॉस्मेटिक्स की रेंज भी निकाल ली है, सब कुछ ही कर रहे हैं शीन वाले, तो उन्होंने अपना ये ब्लश भी निकाल, मेकअप रेंज पूरी निकाली है, उसमें ये ब्लश दिस इज गोइंग वायरल दीज डेज ऑन टिकटॉक ऑन इंस्टाग्राम, एवरीबडी इज यूजिंग दिस एंड एवरीबडी इज सेइंग दिस इज अ वेरी वेरी नाइस प्रोडक्ट एंड नो डाउट इट इज एंड इट्स रियली चीप, आई मीन इट्स जस्ट फॉर $6 एंड फॉर $6 दिस क्यूट लिटल थिंग इज जस्ट यू नो आह लवली, इट्स रियली नाइस। मैंने इसमें काफ़ी शेड्स हैं बट मैंने जो शेड मंगाया है दैट इज़ कॉल्ड लव केक, ये इस तरीके से डोफर एप्लीकेटर के साथ है, बहुत क्यूट सा, और इसका अगर मैं आपको शेड बताऊँ लव पिंक इज लाइक दैट, इट्स वेरी नाइस नेचुरल और न्यूट्रल सा शेड है ये एंड इट्स लुक सो गुड ऑन माई स्किन टोन, पीची पिंक है ये बेसिकली, इट्स नॉट पीच पिंक भी नहीं है और पीच भी नहीं है, बट इन दोनों का मिक्सचर है, तो दिस यू नो ब्लश इज जस्ट परफेक्ट। इसका जो है वो फॉर्मूला भी काफ़ी अमेजिंग है, कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट बहुत क्रीमी सा और बहुत अच्छा सा यू नो डूई डूई सा भी लगता है, इट्स नॉट वेरी मच डूई बट इट्स इट्स यू नो इट्स अ लिटिल बिट वाइट, द शेड इज नाइस एंड इट्स रियली ईजी टू ब्लेंड और लुक्स रियली नाइस एंड फ्रेश ऑन द स्किन ना। खैर इवन आपने कुछ भी नहीं लगाया बट इफ़ यू आर यूजिंग दिस यू नो ऑन योर बेयर फेस इट्स लुक सो नाइस एंड क्यूट एंड नेचुरल, यू नो इट्स इट जस्ट गिव यू अ परफेक्ट फ्लश ऑन योर स्किन, सो इट्स गुड, आई लव इट आई लव इट आई लव इट, और बहुत अच्छा है, इट्स लाइक इट्स वायरल फॉर अ रीजन, यू नो इट्स नॉट जस्ट वायरल फॉर एनी थिंग, इट्स जस्ट वायरल फॉर अ रीजन, इट्स लुक गुड। तो हमारा ये हाइलाइटर था, उससे हाइलाइटर आजकल मैं बहुत ज़्यादा आई एम नॉट अ फैन ऑफ हाइलाइटर दीज डेज, आई थिंक वो थोड़ा सा उसका यू नो कम भी हो गया है, जो इतना एक ज़माने में जो है ना हाइप थी हाइलाइटर हाइलाइटर की, तो अब जस्ट नॉर्मल ग्लो इस लुक, मतलब बीच में तो ऐसा हो गया था कि हाइलाइटर के पीछे लोग दीवाने थे, हर जगह हाइलाइट कर लेते थे, चमक रहा होता था फेस, बट अब जो है थोड़े से सटल हाइलाइट का फैशन है, सो मुझे भी वही अच्छा लगता है, तो मैं बहुत हल्के लाइटली जो है अपने फेस को हाईलाइट करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कि इतना। अब हम जो है वो आईज़ की तरफ चलते हैं, आईज़ में एक प्रोडक्ट है ये एल्फ का आईलाइनर है, ये मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ लिक्विड आईलाइनर, दिस इज क्वाइट गुड, इट्स नॉट वेरी मच वाटरप्रूफ, आई मीन नॉट वेरी मच लॉन्ग लास्टिंग, बट एज कम्पेयर टू द हुदा ब्यूटी वन, एक मैंने हुदा ब्यूटी का ये भी लिया था, ओ माई गॉड लिफ्ट लाइफ लाइनर लाइनर है, क्विक एंड ईजी, ओ माई गॉड, इसका पेन टिप तो बड़ा ही अच्छा, बहुत ही यू नो टीनी टाइनी माइनस Q2 साया, मतलब इसकी इतनी प्रिसाइज एप्लीकेशन होती है क्योंकि इसकी टिप इतनी अच्छी है, बट ये इतना ज़्यादा फैलता है मेरी आँखों पे, इतना स्मच करता है, मतलब पूरी आँखें मेरी काली हो जाती हैं, मेरी हुडेड आइज हैं, सो उस पर तो बिल्कुल आई वोंट रिकमेंड दिस, दिस इज़ वेरी 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 बैड यू नो इन टर्म्स ऑफ दिस इज़ नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड इट जस्ट जिस दिन मैंने ये लगाने की कोशिश की, एक दफ़ा पहली दफ़ा में मेरे साथ हुआ तो ओ माई गॉड ब्लंडर हुआ मेरे साथ, जितनी दफ़ा आई हैव यूज दैट इसने मुझे जो है ना बेतहाशा तकलीफ पहुँचाई है, सो आई वोंट रिकमेंड दिस एट ऑल, डोंट यूज इट डोंट यूज इट। अच्छा जी, लेकिन हुदा ब्यूटी की ही इसी अच्छा ये दोनों ना सेट में आए थे मेरे पास, मस्कारा और आया, बट मैं इस मस्कारे के बारे में बताऊँ
ओह आई कांट इवन टेल यू हाउ मच आई स्टार्ट लविंग दिस मस्कारा. मतलब जब शुरू में आया था तो शुरू में इट वॉज नॉट दैट गुड. पता नहीं मेरे साथ हर मस्कारे में प्रॉब्लम होती है कि एक हफ्ता मैं उसको थोड़ा सा पैकेजिंग से जब नया नया निकालती हूँ थोड़ा वो गीला गीला लगता है मुझे, इतना अच्छा नहीं लगता. लेकिन एक हफ्ते बाद ओ माई गॉड क्या मिरेकल करना शुरू किया. और अब तो ये इतना कोई ऐसा प्रोडक्ट हो गया कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए आई डोंट नीड टू कर्ल माई लैशेस. इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ फॉल्सीज, लाइक यू नो नेचुरल जो फॉल्सीज होती हैं वो भी नहीं. यू नो ड्यूरिंग नाइट इवेंट्स एज वेल आई डोंट गो फॉर फॉल्सीज एनी मोर बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट वन. इसको लगा के भी आई लैशेज इतनी कोई खूबसूरत लगती हैं. और मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी एक आंख में दूसरी. लिटरली द पीपल हैव स्टार्ट आस्किंग मी अबाउट मल्टीपल टाइम्स हैव आस्क मी कि कौन सा मस्कारा लगाया हुआ है. और मतलब ये ड्यूल एंडेड मस्कारा है हुदा ब्यूटी का, लेजिट लैशेज मस्कारा है. इसकी एक साइड जो है वो वॉल्यूम वाली है और एक साइड जो है वो कर्ल इन लेंथ है. दोनों पहले मैं वॉल्यूम यूज़ करती हूँ उसके बाद उसके ऊपर कर्ल वाला एप्लीकेशन करती हूँ. एंड ओ माई गॉड नहीं कोई अच्छी लशेस लगती है. मैंने सिर्फ ये वॉल्यूम वाला जो है ना साइड अप्लाई किया एंड जस्ट लुक एट द वॉल्यूम एंड लुक एट द डिफरेंस यू नो इट गिव्स टू माय आईज, लाइक बोथ ऑफ द आईज कितनी वॉल्यूम और कितना इससे भी लेंथ भी काफ़ी अच्छी आ जाती है. कर्ल कितने अच्छा आया हुआ है और वॉल्यूम जस्ट लुक एट दैट. दिस इज द वॉल्यूम साइड बाय द वे. अभी मैंने कर्ल वाली और लेंथ वाली साइड पर अप्लाई की ही नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम वाली साइड का कमाल है. और आप देख सकते हैं द डिफरेंस हाउ मेजर इट है. दूसरी साइड भी अप्लाई करके अच्छा दूसरी साइड इसकी जो है ना वो इस तरह की है कर्ल और लेंथ वाली. इसका वॉन्ड इज लाइक दैट थोड़ा सा. और जो वॉल्यूम वाला साइड था ना वो भी मैं दिखा देती हूँ उसका एप्लीकेटर कैसा है. उसका एप्लीकेटर इज लाइक दिस, ठीक है ना. तो दोनों के एप्लीकेटर भी डिफरेंट हैं और आई थिंक दोनों का फॉर्मूला भी डिफरेंट है. तो अब मैं कर्ल और लेंथ वाली साइड जो है वो अप्लाई करने जा रही हूँ. और आप देख सकते हैं पहले से इतना फर्क पड़ा था और कर्ल लेने के बाद तो और यू नो धूम मच जाएगी. मतलब कितनी यू नो नेकेड सी लग रही है मेरी ये वाली. और लुक एट दिस कितने लिफ्ट भी कर दिया है इसने मेरे लैशेस को और हाउ मच वॉल्यूम एंड लेंथ एंड यू नो एवरीथिंग इट हैज गिवन टू माय लैशेस. एंड दीज आर द यू नो आह लवली आई जस्ट लव दिस मस्कारा. लिपस्टिक्स में आजकल तीन लिपस्टिक्स है ना जो मैं डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली आई एम वेयरिंग दैम कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप. मतलब अगर मैं कोई भी नहीं लगाती तो उनमें से एक तो लगाई भी होती है मैंने. तो उनमें ये एक अफोर्डेबल ऑप्शन भी है. ये वाला तो अफोर्डेबल ऑप्शन हो माई गॉड मेरा कोई इतना फेवरेट है. दिस इज फ्रॉम रेवलॉन. बहुत अफोर्डेबल और बहुत अच्छा ऑप्शन है. दिस इज रेवलॉन कलर स्टे स्वेट इंक. और ओ माई गॉड एंड द शेड इज हॉट गर्ल. दिस इज द परफेक्ट न्यूड फॉर माई स्किन टोन. आई मीन मैंने इससे अच्छा न्यूड कलर अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी में इस्तेमाल ही नहीं किया. इफ आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग दैट बिकॉज आई एम गोना शो यू. आई थिंक इट्स बीन 2 months सिंस आई हैव बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट. एंड ये देखें मतलब नॉन स्टॉप बल्कि 2 महीने से भी कम हुए हैं और ये आई हैव ऑलरेडी यूज दिस मच कि मतलब अब इससे ज़्यादा खुलने की गुंजाइश नहीं. आई डोंट थिंक आई हैव एवर यूज यू नो कोई भी कलर इतना कि वो ख़त्म होने के ऊपर आ जाए. और ये ख़त्म होने के ऊपर आ चुकी है. दिस इज़ द परफेक्ट कलर फॉर आर स्किन टोन और फॉर माई स्किन टोन आई वुड से. और बट मेरे कलर के साथ जा रही है तो आप लोगों के साथ कलर के साथ भी जाएगी डेफिनेटली. और ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा परफेक्ट न्यूड पिंक पीची पिंक शेड है ये. और बहुत अच्छा लगता है ये स्किन टोन पे आपका ऑन अ रेगुलर बेसिस. मतलब मैं अगर हानिया को ड्रॉप करने जा रही हूँ सुबह में स्कूल में, हानिया को पिक करने जा रही हूँ, मैं ग्रॉसरी के लिए जा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ मुँह पे, कुछ भी नहीं, आई एम वेयरिंग नथिंग जस्ट सनस्क्रीन और मैं जा रही हूँ, तो आई यू नो तब भी मैं ये लिपस्टिक लगाती हूँ. और ये पता नहीं ऐसे स्किन को ना मेरे यू नो मेरे फेस को पूरा एक लिफ्टिंग और एक ना अलग सा ऐसा लुक दे देती है कि जैसे आई हैव डन अ लॉट बट मैंने कुछ भी नहीं किया होता, सिर्फ ये लिप कलर अप्लाई किया. पता नहीं इस लिप कलर में कोई ऐसी बात है ना. जस्ट लव दिस लिप कलर. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीपर्चेज दिस सून, मे बी टुमारो, बिकॉज मैं आज देख के परेशान सी हो गई कि ओ माई गॉड सिर्फ सी रह गई है, मैं क्या करूँगी, मैं तो ये हर वक्त लगा रही होती हूँ. इसका फॉर्मूला भी इज क्वाइट बटरी, इज नॉट मैट, प्योर मैट भी नहीं है, प्योर क्रीमी भी नहीं है, बट इन द मिडल ऑफ इट, सो इट्स क्वाइट बटरी. सो उस लिहाज से इट्स मॉइस्चराइजिंग एज वेल. तो मॉइस्चर ऐसा लगता है कि आपने ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चैपस्टिक तो बहुत ज़्यादा वो होती है ना, मतलब थोड़ा सा यू नो अच्छा सा बाम लगाया हुआ है आपने अपने, बट बाम बहुत ज़्यादा बामी भी नहीं है. मतलब इट्स इन द मिडल ऑफ इट बटरी फिनिश आप इसको कह सकते हैं, बट इट्स मॉइस्चराइजिंग एज वेल. और इसका लिप शेड, इसका जो शेड है ना
वो अभी तो मैंने कुछ लगाया हुआ है। इसके अलावा जो मुझे एक और न्यूड कलर बहुत पसंद है जो मेरी स्किन टोन के साथ बहुत अच्छा जाता है, वो है ये हुदा ब्यूटी का लिक्विड मैट लिपस्टिक है, लिक्विड मैट लिपस्टिक है और ऑब्वियसली बहुत मशहूर, हम सब ने बॉम्बशेल के बारे में, लिक्विड हुदा ब्यूटी की बॉम्बशेल के बारे में सुना हुआ है। सो दिस इज द शेड बॉम्बशेल। आई थिंक देयर इज वन मोर शेड पिंक कलर में जो मुझे मैंने सफोरा में ट्राई किया था बट मैंने अभी तक उसको लिया नहीं है, वो बेबी पिंक सा शेड है बट आई एम गोना परचेज दैट एज वेल। बट दिस बॉम्बशेल दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर विद दिस वन जो मैंने अभी आपको रेवलॉन का दिखाया, बट ऑब्वियसली इसका फॉर्मूला जो है मैट है और थोड़ा सा डीप है ये एज कम्पेयर टू रेवलॉन। रेवलॉन ज़्यादा पीच है, ये थोड़ा न्यूडी ब्राउन सा जाता है, इट्स नॉट पीच इट्स ब्राउनी पीच यू कैन से यू नो। तो ये भी बहुत अच्छा न्यूड शेड है और हमारे यू नो स्किन टोन के लिहाज से दिस इज़ द परफेक्ट वन, बहुत अच्छा लिप कलर है ये। इसका फॉर्मूला भी ऑब्वियसली इट्स मैट, ये उसकी तरह बटरी नहीं है, इट्स मैट बिकॉज इट्स अ मैट फार्मूला, बट यू नो इट्स गुड एंड इट्स लॉन्ग लास्टिंग। इसके अलावा देर इज़ वन मोर शेड जो थोड़ा सा डार्कर है, डीपर है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑन अ डे टू डे बेसिस। दिस इज़ काइली जेनर का ये लिक्विड लिपस्टिक है और इसका शेड यार कौन सा है, आई एम सो सॉरी आई एम अनेबल टू रीड द शेड नेम, बट मैं इसका बॉक्स ढूंढने की कोशिश करूंगी कि अगर मुझे इसका बॉक्स मिल जाता है और मैंने अभी तक थ्रो नहीं किया है बॉक्स तो आई एम प्रीटी श्योर कि उसमें इसका शेड नंबर लिखा हुआ होगा, बट अभी इसका शेड इतना कुछ छोटा लिखा हुआ है ना कि आई एम अनेबल टू रीड इट एट ऑल। बहुत अच्छा सा डीप शेड, थोड़ा सा डार्क कलर है ये, इट्स नॉट न्यूड ऑब्वियसली बट ये थोड़ा ये शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो इट्स लाइक दिस, ठीक है ना, मॉवी पिंक, डीपर पिंक है ये, डीप पिंक, ठीक है, और बहुत अच्छा इसका फॉर्मूला भी, दिस इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग लास्टिंग। लेकिन मुझे पता नहीं बस इससे एक शिकायत है कि ये मेरे अंदर की साइड जो है ना वो खाली छोड़ देता है जब थोड़ा आफ्टर यू नो सम टाइम, तो बस इस चीज़ का ये, क्योंकि हुदा ब्यूटी के बॉम्बशेल और रेवलॉन का भी ये बिल्कुल ऐसा नहीं करता कि थोड़ी देर बाद अगर मैं पानी पी रही हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ तो वो अंदर की वो चीज़ ख़त्म कर दे, बट ये वाली लिपस्टिक कर देती है। सो वैसे ओवरऑल इट्स रियली लॉन्ग लास्टिंग, आगे पीछे लगा रहता है बट सिर्फ अंदर की साइड ना खाली हो जाती है, आई डोंट नो व्हाई बट ये कर देता है ऐसा, बट द शेड इज रियली नाइस तो मुझे रीअप्लाई करना पड़ता है हर थोड़ी देर बाद, बट दिस इज गुड। दिस इज टाइम टू वाइंड अप द वीडियो, डन, या द यूट्यूब वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ओ माय गॉड हू इज दिस मॉम, आप लोग भी सरप्राइज हो जाएंगे ना मुझे देख के, ओ माय गॉड क्या करिए आज यूट्यूब पे नहीं आना, बट आई विल ट्राई टू बी रेगुलर बट आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू बिकॉज आई नो माई सेल्फ, आजकल जितना मेरी लाइफ टफ हो चुकी है और बींग हेयर इन ऑस्ट्रेलिया इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू डू इट, हानिया को संभालते हुए, घर संभालते हुए, जॉब करते हुए और सारी चीज़ें टेंशन सर पर रखते हुए, इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी समटाइम्स टू डू दिस। सो और फिर इसको बनाना ही मसला नहीं होता, एडिट करना भी मसला होता है, ठीक है ना, वो उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, सो आई डोंट रियली यू नो गो फॉर इट। कम हो गया, फिर आप लोगों ने प्यार भी दिखाना कम कर दिया था, मतलब एज सच मेरा जो है ना वो रेवेन्यू उससे जनरेट नहीं हो रहा था, टू बी रियली ऑनेस्ट मैं आपको बात कहूँगी, शायद अगर हो रहा होता तो आई वुड बी यू नो मेकिंग इट अ लॉट ऑन अ क्वाइट रेगुलर बेसिस, सो आई हैव स्टॉप डूइंग इट, बट इफ यू वॉन्ट मी टू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स फैमिली एंड एवरी वन एंड ऑल्सो आस्क देम टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉच माई वीडियो एंड वॉच इट विद एड्स सो दैट यू नो आई विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट and I will make more and more videos for you guys, okay? और I hope you have missed me enough. और बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे और हानिया को, और मुझे ये दुआ करिएगा कि मेरे YouTube platform से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो जाए तो फिर मैं आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाना शुरू कर दूँ मज़ीद, और रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ पे नजर आऊँ बनती घंटी भी तैयार होती हुई, ठीक है ना। अपने बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं मिलूंगी आपसे आई डोंट नो अपनी कौन सी अगली वीडियो में, बट तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।